तो डॉक्टर संजीव सिंह चावला जी हमारे साथ में है। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल सीजन थोड़ा सा ऐसा हो चुका है, विंटर सीजन है और अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत रहने लगी है। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग और कुछ मेरे उम्र के भी और बच्चे भी इस चीज से परेशान रहते हैं, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस आप होम्योपैथी से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इस मौसम में जैसी सर्दी पीक पे आती है शुरुआत में वेदर चेंज से लेके और एंड टाइम तक, तो अस्थमा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म हो जाती है। आप नॉर्मल खांसी जुकाम से शुरू हो जाइए, बिकॉज अस्थमा का कोई भी जो ऑनसेट है वो क्रॉनिक से पहले एक्यूट है। हर सीजन चेंज में कई लोगों को एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं। अस्थमा की रूट कॉज जो है वो एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, एलर्जी को सेंसिटिविटी ज़्यादा बोलिए, बिकॉज आजकल लोगों ने बिजनेस बना लिया एलर्जी के नाम से, बहुत सारी सेंटर खुल गए हैं और कुछ खुल गए हैं। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि एलर्जी कोई डिजीज का नाम नहीं है, एलर्जी सिंपल वे में आप समझिए, 10 लोग खड़े हैं, धुआं धूल मिट्टी उड़ रहा है, एक आदमी को छींके आने लग गई, 4 को नहीं आ रही है, सो आप क्या बोलेंगे कि वो आदमी डस्ट से सेंसिटिव है। तो एलर्जी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लोगों को बहुत डर बैठ गया कि मुझे एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई है। एलर्जी नाम की ऐसी कोई एलर्जी मेडिकल वर्ड है सेंसिटिविटी का। सो बेसिकली आप बाय नेचर जब सेंसिटिव होते हैं सो आप ओवरऑल सेंसिटिव होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इंडिविजुअलिटी में सेंसिटिविटी आ जाती है। सो जो सेंसिटिव होगा, जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशनली वीक होगा, वो आदमी जल्दी से कोई भी चेंज होगा वेदर में, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो डस्ट हो रही है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स आ रहे हैं, चाहे वो कुछ और, उनको इमिडिएटली कुछ कोई मिर्च का तड़का लगा या कुछ लगा तो वो पेशेंट वर्स हो गया। सो इसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। एलर्जी मेडिकल वर्ड है, आप सारे लोग एलर्जी, इसका रूट कॉज जो है वो सेंसिटिविटी से शुरू होता है। सो होम्योपैथी बिलीव ये करती है कि आप अपने सेंसिटिविटी पे वर्कआउट कीजिए खूब अच्छे से। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप की फिटनेस पे ध्यान देते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग यूजली सेंसिटिविटी के शिकार मैंने अपने 26 साल की प्रैक्टिस में नहीं देखे। मैंने अपने मैक्सिमम प्रैक्टिस के अंदर इन चीजों की सफरिंग उन्हीं लोगों को देखी है जो बच्चों को बहुत कवर्ड करके रखते हैं। आप छोटे बच्चे कहेंगे जी उनका तो कोई एनवायरमेंट पैदा होते सार आ गया, आप उनको बहुत प्रिकॉशन दे रहे हैं, सर्दी है तो उनके हीटर चला के रख रहे हैं, गर्मी है तो आप सारा दिन एसी में चला के रखते हैं, स्कूल है तो सारा दिन वो एसी स्कूल हो गए हैं, बसेस में एसी है। सो अब ऐसे बच्चे जरा सा भी गर्मी में जाएंगे तो उनको अपने आप बट नेचुरल है कि वो उनकी बॉडी रिएक्ट करेगी। आप हीटर्स में रख रहे हैं, सर्दी से इमीडिएटली एक्सपोज होगा तो इमीडिएटली होगा। सो बच्चों को एक मॉडरेट एटमॉस्फेयर दीजिए। मॉडरेट एटमॉस्फेयर का मतलब एक कंफर्टेबल जोन में रखिए, जहां पर आप 25-26 का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं ओवरऑल थ्रू आउट ईयर्स, जिसको हम एक अच्छा मौसम मानते हैं कि अच्छा मौसम है, उसमें रखिए। खाने पीने में एक्सट्रीम्स मत कीजिए, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स फास्ट फूड आ गए हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, सॉसेस हैं, घर बनाइए ना, आजकल किसी पे टाइम नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री फलफूल नहीं है, तो मदर्स ने घर बनाना छोड़ दिया। सॉसेस पहले भी बनती थी, घर में बनती थी, बच्चे खाते थे, लेकिन अभी वो प्रिजर्वेटिव ऐड ऑन होने से आप सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जरा सा भी चेंज वेरिएशन में आया, आपको प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले अगर कोई अस्थमा के विक्टिम बनते हैं, सबसे पहले अपने आप जुकाम खांसी गले का ख्याल रखिए, रेगुलर गार्गलिंग कीजिए। अगर आपको जुकाम खांसी है इमीडिएटली जाके दवाई लीजिए, सबसे पहले उसको बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि सबसे पहले इसको URI बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस ट्रेवल करके लंग्स की तरफ जाती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स में जाके इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो बलगम खांसी सांस लेने में दिक्कत आना, रात को स्पेस में ज़्यादा उठना बच्चों का, और बाउट्स में खांसी आना, सो देखने वाले बहुत बच्चों से ज़्यादा देखने वाले ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर इमीडिएटली वो ऐसे सिस्टम्स की तरफ भागते हैं जहाँ पर उनको आप इमीडिएट आप रेस्क्यू सिर्फ दे रहे हैं, आप कुछ आराम देना चाहते हैं, नेबुलाइजर्स लगा रहे हैं, इनहेलर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो सब टेम्परेरी है, उनसे क्योर नहीं होता। जितने भी बच्चे आते कहते थे हम बच्चे को पहले एक बार नेबुलाइजर देते थे, आज दिन में 4 बार ही देना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक पहले महीने में एक बार ही जाती थी और हफ्ते देनी पड़ जाती है, सो ये सोल्यूशन नहीं है। आप बच्चों को, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर तो आपका जो करेगा वो करेगा। होम्योपैथी में बहुत अच्छे सोल्यूशन है, सारे सिस्टम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, उनको एक इमोशनली स्ट्रांग बच्चा बनाइए, उनको एक रफ एंड टफ एटमॉस्फेयर दीजिए, उनको खाने पीने में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव और कलर से बचाएं,
सर्दी के अंदर एक्सट्रीम खट्टा ठंडा इन चीजों से बचाएं। सो अगर ये सब काम आप कर लेते हैं तो ये आपके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट घर में ही चालू हो जाते हैं, आपके बच्चे को अटैक्स आने कम हो जाएंगे। और अगर फिर भी अटैक्स आते हैं, आप अपने नियर बाय किसी भी होम्योपैथ को मिलिए जो आपको इमीडिएटली अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देगा और ये डिजीज परमानेंटली क्योर हो जाएगी। सो दैट्स हाउ वन कैन वर्क ऑन इट। मौसम चाहे कुछ भी रहे, मौसम का मिजाज तो बदलता रहेगा, हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। तो जहां हम एडजस्टमेंट सीख जाएंगे, अपने आप को एक्सट्रीम होने से बचाएंगे, तो एलर्जी एलर्जी कुछ नहीं आएगी आपके पास और आपको एस्थमेटिक अटैक से इमीडिएटली आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने एक ये मिथ जो थोड़ा सा लोगों के जहन में रहता है कि अस्थमा एक एलर्जी है, और उसका बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि जो व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनको शायद कुछ अवेयरनेस आया होगा कि अपने घर पे ही हमें खाना बनाना चाहिए और मौसम के हिसाब से जो चीजें डॉक्टर साहब ने बताई हमें वो अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट कि हम अस्थमेटिक अटैक से बच सकें। बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।